उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां दो चचेरे भाई रामलीला कार्यक्रम देखने गए थे और दोनों अपने अपने परिवारों को लेकर खुशी खुशी पहुंचे थे, लेकिन पुराने विवाद को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई और देखते ही देखते दोनों भाइयों में घमासान शुरू हो गया। इसके बाद एक ने बंदूक निकालकर दूसरे को गोली मार दी और इससे पूरे पंडाल में भगदड़ मच गई। पुलिस मौके पर जा पहुंची, मामले की छानबीन की जा रही है। बता दें कि जिस शख्स की हत्या की गई वो एसडीएम कोर्ट में वकील का काम करता था, जबकि हत्या का आरोप उसी के चचेरे भाई पर लगा है। बताया जा रहा है कि कमलवा गांजा इलाके के रहने वाले उमेश नैनवाल और दिनेश नैनवाल दोनों आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज रामलीला का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को गोली चलाई गई। उसमें जो घायल है उसको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो बाकी पुलिस से जो है वो साक्ष्य संकलन कर रही है और उसके बारे में तलाश की जा रही है और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि गोली चलाने वाला कौन है। जल्दी जो भी गोली चलाने वाला है उसको गिरफ्तार करेंगे। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम उमेश नैनवाल है और जो हमलावर था वो भी इसका रिलेटिव ही है, दिनेश नैनवाल नाम बताया जा रहा है जिसका। और पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हमें उम्मीद है हम जल्दी से गिरफ्तार करें। ये है नैनवालपुर कमलावा जगह, जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए, वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी उमेश नैनवाल को। जो इसने गोली मारी वो दिनेश नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही, और ये मारी है रामलीला में। हम लोग जो रामलीला चली है वहीं मारी है। कोई पकड़ में आया नहीं है अभी? नहीं, अभी तो भागा है, रिपोर्ट करा दी है।